पायलट के बगावत से कांग्रेस में खलबली, गहलोत पर बोला सीधा हमला। पेपर लीक मामले को लेकर बोले, अगर कोई मुझे मानसिक दिवालिया बोले तो फर्क नहीं। गहलोत ने इशारों इशारों में पायलट को कह दिया था मानसिक दिवालिया। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से तलवारें खींचते दिखाई दे रही हैं। दोनों ही लोग एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने एक बार फिर आरपीएससी पे पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। पायलट ने कहा कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार की गलती थी तो युवा इसका भुगतान क्यों करे। इस मुद्दे पर गहलोत के मानसिक दिवालियेपन वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसी गाली सुनने को तैयार हैं, लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर यात्रा निकाली थी उन पर कायम रहेंगे। अगर कोई उन्हें मानसिक दिवालिया कहता है तो कहता रहे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर लीक मामले को लेकर पायलट ने कहा, मैं पार्टी के लिए जिम्मेदार पद पर हूँ, सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ, इस नाते मैं मानता हूँ पेपर लीक से प्रभावित गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को किसी न किसी रूप में मुआवजा मिलना चाहिए और युवाओं की किसी न किसी रूप में मदद होनी चाहिए, चाहे मुआवजा हो, फीस माफी हो, कुछ न कुछ राहत जरूर दी जाए। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, मुझे लगता है कि जो अपनी गलती से फेल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप और किसी की गलती से फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मुआवजे की मांग पर किसी ने कहा है ये मानसिक दिवालियापन है, मैं और भी गाली सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन पार्टी में पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर लीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा मिल सके। जब इतने सारे पेपर लीक हुए और बार बार ऐसी घटनाएं हो रही थी, हम कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उस पर हमें प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लगा कि सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जाए। युवा कितनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, मध्यम वर्ग का आदमी अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाता है, इन हालात में कोचिंग करवाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाए तो कितना शॉकिंग है। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई हो, करप्शन पर हम स्ट्रांग स्टैंड लेते हुए दिखे। आरपीएससी में रिफॉर्म बहुत जरूरी है, मैं जिस बात पर पहले स्टैंड करता था उस पर आज भी कायम हूँ। मुझे संतोष इस बात का है कि मेरी बात को केंद्रीय लीडरशिप ने सुना, संज्ञान में लिया और इसकी वजह से पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा का कानून पास हुआ। दुर्भाग्यवश आरपीएससी में जो रिफॉर्म चाहता था वो समय रहते नहीं हुए और उसी का कारण है कि जो नियुक्ति हुई वो ठीक नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलत हुआ है। इन गलतियों को रोकने के लिए मैं चाह रहा था कि आरपीएससी में नियुक्तियों का पूरा सिस्टम बदले, उसका पुनर्गठन हो, पारदर्शी सिस्टम बनना चाहिए। हम अगर किसी को खुश करने के लिए संवैधानिक पदों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं उसको गलत मानता हूँ। दुर्भाग्य से चुनाव डिक्लेयर हो गए, सुधार हो नहीं पाए। पायलट ने टिकट वितरण में दागी उम्मीदवारों को मिली प्राथमिकता को लेकर कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से मात्र किसी की विश्वसनीयता खत्म नहीं होती। जहां किसी नेता खिलाफ गड़बड़ी करप्शन के पुख्ता सबूत हो, मैं समझता हूं ऐसे नेताओं को आगे नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत कहां होती है, विरोधी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिस पर करप्शन का आरोप है, लेकिन वो जीत सकता है। दूसरी तरफ कम जीतने की क्षमता वाला लेकिन साफ छवि का उम्मीदवार है, ये सवाल जनता पर छोड़ता हूं कि वो किसे चुनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए पार्टियों को उदाहरण पेश करना चाहिए, ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि साफ छवि के उम्मीदवारों को तरजीह दे, चाहे उसके जीतने की क्षमता करप्ट के मुकाबले कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।